मैंने निर्णय कर लिया है तो किराट सेन की पुत्री पार्वती का विवाह उसी से होगा जो उस महामत्स्य को पकड़ेगा। किराट सेन जी, हम उस महामत्स्य को अवश्य पकड़ेंगे। महामत्स्य पकड़ा गया। पुत्री, जो मछुआरा एक बार में महामत्स्य को पकड़ ले उससे योग्य वर तुम्हारे लिए और कोई नहीं हो सकता। ठहरो मछुआरे, अब ये सुंदर स्त्री त्रिलोक विजेता वानरसुर की धर्म पत्नी बनेगी। स्वामी, हमारी रक्षा कीजिए इस असुर से। हम एक साधारण मछुआरे हैं और ये इतना भयानक असुर, हम इससे कैसे लड़ सकते हैं? विक्रम बैताल में अगले हफ्ते देखिए उज्जैनी में छाया चुड़ैलों का साया। जो बिगड़ी थी वो बनेगी, अब आएगा राज हमारा और करेंगे सब। महारानी, अब यहाँ क्या कर रही हैं? महारानी कहाँ है? जो चुड़ैल के हाथ लगा वो कभी नहीं बचा, कोई नहीं बचेगा, न तुम न तुम्हारी पत्नी, कोई नहीं बचेगा। चुड़ैलों का अंत करने हेतु विक्रम पहुंचते हैं क्षिप्रा नदी के आश्रय में। यदि तुम काली पर्वत तक पहुंचने के लिए मार्ग बना दो, उन बुरी शक्तियों का अंत करने में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। कैसा प्रकाश है बरामी जी? महाराज, इसका अर्थ है कि उन चुड़ैलों का अनुष्ठान पूर्ण होने वाला है और हम अब तक विक्रम भैया का आधा मार्ग भी नहीं बना पाए। अब इस अंतिम आहुति के साथ संसार में हम चुड़ैलों का अधिपत्य स्थापित हो जाए। क्या बचा पाएंगे विक्रम संसार को इन काली शक्तियों से? विक्रम बेताल में कल देखिए। जिसने की गायत्री मंत्र की रचना, उसी ऋषि विश्वामित्र ने की ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या, फिर भी क्यों कहलाए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य? तेरे पुत्रों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसे पापी का सर्वनाश कर देना ही उचित है। ओम। महर्षि वशिष्ठ ने ब्रह्मदंड का आह्वान कर लिया, ऐसे तो विश्वामित्र क्या संपूर्ण सृष्टि का अंत हो जाएगा। विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या करने के बाद भी क्यों कहलाए विश्वामित्र संसार के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य? और देखिए, तुम्हें अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी होगी। कहिए गुरुदेव, आपका शिष्य आपको क्या दे सकता है? मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए, एकलव्य। राजन, मेरा प्रश्न है कि एकलव्य ने ये जानते हुए भी कि गुरु द्रोणाचार्य उसके साथ अधर्म कर रहे हैं, फिर भी गुरु दक्षिणा में उन्हें अपना अंगूठा क्यों दिया? राजन, किंतु एक समय था जब इसी भारत वर्ष में नराखेत हुआ करता था। राजन, ये कैसा जीवन है बाबा? ना हम अपनी इच्छा से जी सकते हैं और ना ही अपनी रक्षा के लिए लड़ सकते हैं। इस नराखेत के विरुद्ध हम प्रतिकार करेंगे, हम लड़ेंगे राजा के अधर्म से। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे युद्ध की शिक्षा दे। एकलव्य, तुम्हें ऐसे युद्ध गुरु की आवश्यकता है जो न केवल तुम्हें शस्त्र चलाना सिखा सके बल्कि संपूर्ण युद्ध कौशल की शिक्षा भी दे सके। मैं एकलव्य और यहाँ आपसे धनुर्विद्या सीखने आया। हम केवल क्षत्रिय वर्ण के लोगों को ही शिक्षा देते हैं, वनवासी का धर्म है सेवा करना। हमारे शिष्यों के लिए ऐसा धनुष व तीर बना सको तो तुम हमारे आश्रम में रह सकते हो। और एक बात सदैव स्मरण रखना, भूल कर भी कभी युद्ध कला सीखने का प्रयास मत करना, अन्यथा इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड मिल सकता है। यह आपके लिए सेवा होगी, मेरे लिए अवसर है, चुपचाप देखते हुए सीखने का अवसर। आज के लिए इतना पर्याप्त है। तुमने मेरी शिक्षा की चोरी की है, शास्त्रों का अपमान किया है, इसलिए जाओ और भूल कर भी यहाँ वापस मत आना। आगे बढ़ो और वेग से बहती हुई इस नदी पर अपने तीरों से बांध बनाकर अपने गुरु द्वारा कही गई बात को सत्य सिद्ध करो। एक तरफ है धनुर्धर अर्जुन और दूसरी तरफ है वनवासी एकलव्य। क्या होगा जब अर्जुन और एकलव्य होंगे आमने सामने? राजन, मेरा प्रश्न है कि एकलव्य ने ये जानते हुए भी कि गुरु द्रोणाचार्य उसके साथ अधर्म कर रहे हैं, फिर भी गुरु दक्षिणा में उन्हें अपना अंगूठा क्यों दिया? आपने मुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का आशीर्वाद दिया है, बिना आपके अनुमति के धनुर्विद्या सीखकर एकलव्य हमसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कैसे हो सकता है? हमारा दिया हुआ आशीर्वाद कभी भी असत्य नहीं हो सकता। रही बात तुम मैं और एकलव्य में श्रेष्ठ होने की, तो इसका निर्णय तुम दोनों के बीच परीक्षा से ही होगा। अज्ञानता के दानव का हुआ था सृष्टि पर आक्रमण। अगर भगवान विष्णु थे संपूर्ण मानवता के रक्षक, मैं आपको श्राप देती हूँ, आपका मुख धरती से अलग हो जाएगा।
फिर क्यों दिया देवी लक्ष्मी ने विष्णु को सिर कटने का श्राप? विक्रम बेताल में कल देखिए। मैं आपको श्राप देती हूँ, आपका मुख धड़ से अलग हो जाएगा। छिड़ा था युद्ध घमासान सृष्टि संचालक विष्णु और दनु पुत्र यज्ञग्रीव के बीच। क्या होगा जब श्री हरि विष्णु करेंगे यज्ञग्रीव पर प्रहार? कैसे करेंगे विष्णु उसका अंत जिसे प्राप्त हो आदि शक्ति का वरदान? विक्रम बेताल में कल देखिए। गायत्री, तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, परंतु संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले इन वेदों को मैं नष्ट करके ही रहूंगा। इस थोड़े से ज्ञान में ही देवताओं के विधि विधान, उनकी शक्ति, सब कुछ सम्मिलित है। इसके अंत होते ही अंत हो जाएगा देवताओं के साम्राज्य का। मैं आपको श्राप देती हूँ, आपका मुख धड़ से अलग हो जाएगा। न बचेगा ज्ञान, न धर्म, न ईश। अब आएगा दानव राज और राज करेगा हैग्रीव। विष्णु, अब तुम्हारा अंत करते ही ये संसार स्वयं अधर्म में डूब जाएगा। नारायण नारायण, श्री हरि अपनी योग निद्रा में जा चुके हैं। हैग्रीव इसी ओर बढ़ रहा है। परमपिता कुछ कीजिए, परमपिता क्या होगा जब समस्त वेदों का हो जाएगा अंत? कौन करेगा मानवता की रक्षा जब स्वयं श्री हरि विष्णु पर होगा यह ग्रीव हावी? राजन, ऐसी थी राजकुमारी अहिल्या, जिनके सम्मुख न बुद्धि ही न टिक पाते थे, न बुद्धिमान मनुष्य। स्त्रियों के मार्ग में आने वाली किसी भी बाधा को अपने शस्त्र और शास्त्र से दूर फेंक देने वाली। संसार में प्रथम बार एकल पत्नी एकल विवाह का प्रारंभ किया था देवी अहिल्या ने, जिसका अनुसरण बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी किया था। स्त्रियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली मां दुर्गा के समान थी देवी अहिल्या। पुत्री, तुम कब तक केवल दूसरों की जिंदगी में प्रकाश करती रहोगी? जब तक इस पूरे संसार से अंधकार नहीं मिट जाता, जब तक हर स्त्री के जीवन में उजियारा नहीं आ जाता। तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मेरी चिंता और भी बढ़ जाती है। माता, आप ही कहती है ना कि चिंता चिता समान होती है, तो आप सारी चिंता त्याग दीजिए। पुत्री, मुझे तुमसे कुछ आवश्यक बातें करनी है। माता, आप देख रही हैं ना अभी हम कितना व्यस्त हैं। जो भी बात करनी है पूजा के पश्चात कीजिएगा। अच्छा बताइए, आपकी चिंता का कारण क्या है? माँ की तो केवल एक ही चिंता होती है, अपनी पुत्री का विवाह देखना। विवाह? माता, वो तो जब होना होगा हो जाएगा, उसमें इतना चिंता करने की क्या आवश्यकता है? पुत्री, तुम इस समाज को नहीं जानती। यहाँ पुरुष सिर्फ ऐसी जीवन संगी चाहते हैं जो उनकी सेवा करे, अपने आप को उनके लिए समर्पित कर दे, ना कि औरतों के अधिकारों के लिए लड़े। ऐसे में तुझसे कौन विवाह करेगा? माता, लगता है आपने अभी तक अपनी पुत्री को पहचाना नहीं है। अहिल्या है हम, हमारा विवाह उसी से होगा जिससे हम चाहेंगे, जिसे हम चुनेंगे, जिसके विचार हमारे विचारों से मेल खाएंगे। आपकी पुत्री अहिल्या से प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं। जिसे आप प्रेम कह रहे हैं वो व्यभिचार है, चरित्रहीन है आप। हम यहाँ आपको लेने आए थे और लेकर ही जाएंगे, अब चाहे वो प्रेम पूर्वक हो या बलपूर्वक। अहरो इंद्र, क्या होगा जब टकराएंगे गौतम ऋषि और देवराज इंद्र? अपने बेटे के हरासू हर तक
तकलीफ का बदला लेना है। कबीर, कानून उसे वो सजा नहीं दे पाएगा जिसका वो हकदार है, लेकिन आज एक माँ एक मिसाल कायम करेगी, अपने ही बेटे को अपने हाथों से सजा देगी। मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकता। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? ये बताओ कि आखिरी बार उनसे बात कब हुई थी? उनका पता बताओ मुझे, मैं उन्हें ढूंढ कर तुमसे मिलाने के लिए यहाँ ले आऊंगा। अनुमान कॉलोनी गोरेगांव, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। क्या प्रॉब्लम? मामू ने मिश्री से उसकी मॉम डैड का एड्रेस मांगा और मिश्री ने मामू को छूट मूट का एड्रेस दे दिया, और अभी मामू मिश्री के मॉम डैड से मिलने गए और मिश्री को साथ लेके गए। पता जा अपनी कुंडली लेकर, पंडित जी ये कुंडली माधव की कुंडली के साथ मिलाई और बताइए कि ये लड़की माधव के लिए उचित है या नहीं। अरे वाह, इसे कहते हैं राम मिलाई जोड़ी। 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। इनका विवाह अति शीघ्र हो जाना चाहिए। हे शिव जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपको मेरे ग्रहों की दशा बदलनी ही होगी। ओम नमः शिवाय। कौन बेवकूफ होगा जो तुम्हें अपनी फिल्मों में काम देगा? अरे बेवकूफ डायरेक्टर मैं हूं जी। मैं एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर पंजाबी फिल्म बनाने वाला हूँ और उसके लिए मैं मैडम को एज ए हीरोइन साइन करने आया हूँ। अभी शॉट शुरू करते हैं जी, सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो, एक्शन। हाय रब्बा, हमरा खसी अभी तक काहे नहीं आया। आई लाइक इट। अभी जो खसी नहीं है वो जस्सी है। जस्सी